एबीपीएस न्यूज सच का साथी। एबीपीएस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय प्रताप सिंह। आपको दिखाऊंगा कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा क्या ऐसा किया गया जिससे देश की राजधानी में हलचल उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपनी पार्टी को चलाता है और राजनेता होने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ अपनी पकड़ रखता है, जिसके ऊपर फतेहपुर पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल रखने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा लिख दिया गया। अब इन नेताजी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता तक ये बात पहुंचानी पड़ रही है। आरएन चौधरी ने पुलिस महानिदेशक को एक ज्ञापन दिया है जिसमें कहा गया है कि थानाध्यक्ष सुल्तानपुर घोष द्वारा फर्जी मुकदमे में उनके नाम पर रिपोर्ट लिखी गई है और उनके द्वारा जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। नीच जात कहकर भी उनको गालियां दी गई, जान माल की भी धमकी दी और सही जांच कराने की इसमें मांग की गई है। उनका कहना है कि वो उसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और मानव क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सीधा साधा वह सज्जन प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा जनसेवक है, लेकिन उनके खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी का एक मुकदमा लिख दिया गया है, जिस पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी दी कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, राजनीतिक पार्टी भी चलाता हूँ, इसके साथ साथ मेरी जो पकड़ है और मेरी इज्जत जो है वो भी क्षेत्र के अंदर है, लेकिन थानाध्यक्ष किसी के दबाव में इस तरह से मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने इस बात की शिकायत पुलिस महानिदेशक से की है और कहा है कि जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए। गांधी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरा सामाजिक संघर्ष जो रहा है काफी है। माननीय सुल्तानपुर घोष थाना फतेहपुर जनपद के थाना अध्यक्ष महोदय ने मेरे ऊपर FIR लिखी है गाड़ी चोरी का मुकदमा, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या मेरे इतिहास को उन्होंने कहीं देखा कि आर्यन चौधरी का सामाजिक संघर्ष कितना रहा, क्या कभी इसने कभी चोरी किया है, तो उन्होंने क्यों नहीं कुछ, जिसके बाद मुझसे बात करने का को उचित उन्होंने क्यों नहीं समझा, मेरे से बात भी नहीं की और मेरे ऊपर FIR 403 चोरी की जो है मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया और मेरे विद्यालय में जाकर के गाली गलौज मारपीट की, ये भी कहा धमकी दिया कि साला मिल जाएगा तो मैं उसे गंदे नाली का पानी पिलाऊंगा। अरे दरोगा जी, आपकी वर्दी कितनी साफ है मुझे बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ। और यदि आपने कहा कि मेरे विद्यालय में मोटरसाइकिल चोरी खड़ी हुई मिली है तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने जिस समय मोटरसाइकिल या बोलेरो उठाया तो उस समय उसका वीडियो लिया, कौन कौन थे उनसे मिले, किन किन से मिले, कौन कौन सिपाही गए थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो मेरे को जानकारी हो चुकी है पूरी तरह से, पुलिस का ये चेहरा नाकामयाब हो जाएगा क्योंकि खुद घूस लेते हैं, पैसा लेते हैं, मोटरसाइकिल थाने की खड़ी हुई दिखाते हैं, बोलेरो किसी के घर से लाते हैं और कहते हम चेकिंग के दौरान पकड़े हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और किसके कहने पे उन्होंने ये किया है, इसलिए मैं उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहता हूँ। आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो साफ है तो लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हो जाए और इसकी हम मांग करेंगे, नहीं यदि होता है तो हम क्या धरना प्रदर्शन करेंगे। मानव क्रांति पार्टी के 40 जनपदों में संगठन खड़ा हुआ है, सभी जनपदों के लोग लखनऊ आकर के धरना प्रदर्शन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी कानून व्यवस्था कितनी ध्वस्त है, लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। मानव क्रांति पार्टी पे लगाम लगाने का काम करेगी, सरकार में हो या ना हो उसके लिए मैंने सुभाष सेना का गठन किया है। अब किसी गरीब के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं हो पाएगा, मानव क्रांति पार्टी उसे लड़ने का काम करेगी, मानव से मानव को जोड़ने का काम करेगी। आज आपको इसलिए मैं बुलाया हूँ कि मेरी बात आवाम तक पहुँचे कि मानव क्रांति पार्टी जातिता की पार्टी नहीं है, ये मानवता की पार्टी है। हमने नारा दिया है जाति धर्म का बंधन तोड़ो, मानव से मानव को जोड़ो, हम मानव से मानव को जोड़ने का काम करेंगे। हमारी पार्टी में कहीं जातिवाद का नामो निशान नहीं है। तो आपके माध्यम से
मैं पूरे जनता जनार्दन को कहना चाहता हूँ, जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ आए। और अब लेकर जी, आज हमने इस संदर्भ में माननीय पुलिस महानिदेशक जी के यहाँ गए, उन्होंने IGP से लिखा, उनसे मिले, मुलाकात किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर आपकी आख्या आ जाती है, यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप पुनः हमारे पास आइए। मैंने कहा ठीक है सर, जैसा आप कहें, लेकिन मैं माननीय दरोगा जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहता हूँ, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि वो किसके कहने से ये षड्यंत्र रचा। उन्होंने, मेरे को जानकारी हुई कि जो मुलजिम पकड़े हैं उनको मार मार के उनसे कहलाया, उसका वीडियो उन्होंने बनाया है कि इनको कहो पत्थर सिल्ली पे लिटार के तुम्हारा, और कहा कि आर्यन चौधरी को बिचौल के रहा नहीं, नरेश चौधरी, नाम भी मेरा पूरा नहीं, वो जानते जैसे कहा नरेश चौधरी, राकेश चौधरी, हाँ मिल करके चोरी करते हैं। तो मैंने उनसे जानना चाहा, मेरे निजी सचिव जी ने वार्ता की कि माननीय थाना अध्यक्ष महोदय जी, पहली बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं, आपको मुझे तो नहीं लगता है कि वो चोरी गाड़ी चोरी करेंगे। तो कहें अरे तुम नहीं समझते हो, वो इसकी आड़ में ही चोरी करता है। फिर इन्होंने कहा क्या आपने उनके विद्यालय से जो गाड़ियां बरामद की तो क्या उसका कोई वीडियो आपने बनाया, कौन कौन मिले, विद्यालय चल रहा था या बंद था? तो माननीय महोदय जी फोन काट दिए। फिर दोबारा इन्होंने लगाया कि मैं आपसे 2 मिनट का सर चाहता हूँ, वक्त चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं फोन पे वार्ता नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे भाई फोन में, यदि आप साफ हैं तो कोई वार्ता कीजिए, हम साफ हैं, सबसे वार्ता कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। ठीक।